जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शिया मुसलमानों ने मुहर्रम के नौवे दिन मंगलवार को मशहूर डल झील में अनोखा मुहर्रम जुलूस निकाला। घाटी के अलग अलग हिस्सों से आए मातम मनाते लोगों ने झील के भीतरी हिस्सों से शिकारे पर सवार होकर खास जुलूस निकाला। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए धार्मिक झंडे लहराए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपने भी बहुत जगहों पर देखा होगा और आपने भी इसी माध्यम से पहुंचाया होगा कि ये जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उन शहादतों के लिए खराज अकीदत पेश करते हैं और हम हर मकतब फिक्र है। इस वक्त पूरी वर्ल्ड में ये तो वाशिंगटन तक भी निकलते हैं ऐसे जुलूस, लेकिन ये जो जुलूस है इस वक्त कांडमाला से रायनावरे जाता है। इसमें सारे ये जो इलाका यहाँ पूरी पानी में नावों में जाते हैं और इस जुलूस को पुरामन तरीके से अपनी जगह इख्तिताम करते हैं। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों समेत हजारों लोग डल झील के कंड मोहल्ला इलाके से कानकच्छ तक शिकारे पर सवार होकर और बाद में श्रीनगर के रनावरी में हसनाबाद इमामबाड़ा तक पैदल जुलूस का हिस्सा बने। ये बहुत साल पहले निकलते थे यहाँ से, कांडमाला से निकलते थे, कैनी कजी से जाते ये हसनाबाद। ये बहुत साल पहले मीडिया नहीं थे इसलिए किसी को पता नहीं था। जब से मीडिया आया था तब तो ये पूरा वायरल हो गया था, तो अब बहुत लोग आते हैं इधर। ये बताइए कि क्या अहमियत है, ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है मैदानी करबला में, तो इसी वजह से अभी ये जुलूस निकालते हैं हक के लिए। जहाँ भी जुल्म होगा वहाँ हम आवाज उठाते हैं। लोगों के मुताबिक शिकारे में मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनूठी परंपरा 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये जुलूस हर साल मुहर्रम की 9वीं तारीख को यौम आशुरा से एक दिन पहले निकाला जाता है। तो आज से लगभग कई साल से पहले ये निकल रहा है। हमारे बुजुर्ग बोलते थे हम लोग पहले कम निकलता था, अभी जितना ये फेमस हो जैसे कि हुसैनियत बढ़ती जा रही है उतना ही ऊपर चला जाता है और लोग आते रहते। तो हम हर किसी को बोलते हैं यहाँ पे आई, क्योंकि यहाँ पे समथिंग डिफरेंट, यहाँ पे जो है यहाँ पे अच्छे से जो है यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से हम लोग नावों में बैठ के फिर अच्छे से निकलते हैं यहाँ से। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। इस दौरान दुनिया भर के शिया मुसलमान पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की मौत का शोक मनाते हैं, जो 680 ईसा पूर्व में उमैयद खलीफा यजीद इब्न मुआविया की सेना के खिलाफ करबला की लड़ाई में मारे गए थे।